बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमने इससे पहली वीडियो में किया था फंडामेंटल के चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। इसी में हम आगे कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इसी चैप्टर को कर रहे हैं और इसी टॉपिक को। इसमें इलस्ट्रेशन 13 देखिए आप एक बार। ए एंड बी पार्टनर विद कैपिटल 5 लाख 3 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 3,46,000 बिफोर फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो आपको 3,46,000 का दे रखा है। ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन ए लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 टू फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2021। अप्रैल में 1,50,000 का लोन दे रखा है ए ने फर्म को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% और ड्रॉइंग आपको दे रखा 60,000 40,000। बी इज टू बी अलाउड ए कमीशन 2% ऑन सेल और सेल भी दे रखी है आपको 30 लाख। लास्ट पॉइंट, 30% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी कैप्ड इन रिजर्व अकाउंट। जितना डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको रिजर्व अकाउंट के नाम से डालना है। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं होता, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम। तो इसमें एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। क्रेडिट में आपने प्रॉफिट डाल दिया 3,46,000 का और इंटरेस्ट ऑन ए लोन 1,50,000 पे 6% निकाल दीजिए 9,000, तो बैलेंस आ गया 3,37,000। इसे आपने अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया। ड्रॉइंग आपको दे रखी है 60,000 40,000, इसका 6% निकाल दीजिए और फिर 6 मंथ का कर दीजिए, क्योंकि टाइम अगर नहीं दे रखा तो 6 मंथ का निकालते हैं। तो 1,800 और 1,200 आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, कितने परसेंट बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5%। तो 5 लाख और 3 लाख की कैपिटल है, 5% निकाल दीजिए। कमीशन देना है आपको 2% सेल पर, सेल है 30 लाख की, 30 लाख का 2% हो गया आपका 60,000 टू कमीशन। रिजर्व कह रखा था कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा उसका 10%, तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये कैसे निकालेंगे, पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लो 3,37,000 और प्लस 3,000, तो ये हो गया 3,40,000। इसमें से आप लेस करिए डेबिट साइड के खर्चे, 40,000 का इंटरेस्ट 60,000 का कमीशन, इतना लेस करके जो भी आ रहा है ये आ रहा 2,40,000, तो उसका 10% आप डाल दीजिए रिजर्व के नाम से। अब बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आ गया 2,16,000 का और इसे आप रेशो में बांट लीजिए, जो भी रेशो दे रखी है ए और बी में। एक तो क्वेश्चन हो गया ये, एक एग्जांपल और देखिए। रहीम एंड सुदेश द टू पार्टनर ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म एग्री टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट ऑफ देयर फर्म ऑन फॉलोइंग टर्म्स। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। रहीम विल बी एंटाइल्ड टू ए सैलरी 500 पर मंथ। लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। सुदेश विल गेट ए कमीशन 1% ऑन सेल। रहीम रेंट लेगा 25,000 पर एनम अलाउंग टू फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस इन हिज प्रमिसेस। उसने अपनी प्रमिसेस मतलब अपनी बिल्डिंग दे रखी है बिजनेस को किराए के लिए। नेट प्रॉफिट आपका 1,75,500 का है और इसके अलावा ये आपको कुछ रहीम और सुदेश के बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल के, लोन का, ड्रॉइंग का और एक और लोन। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 सेल है 7 लाख की, क्या क्या बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और रेंट पेबल अकाउंट। लेकिन अप्रोप्रिएशन से पहले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट है वो अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो बिजनेस के खर्चे हैं इनडायरेक्ट, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएंगे। तो लीजिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 1,75,500 और इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन ले लीजिए, कितने परसेंट बता रखा था सुदेश के लोन पे इंटरेस्ट, जितने भी परसेंट बता रखा वो निकाल लीजिए, 5% बता रखा है ले लीजिए वो।
रेंट 25,000 का है, एक लोन फर्म ने दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा 4,500 का। बैलेंसिंग फिगर से ये प्रॉफिट आ गया, इसे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दीजिए क्रेडिट में 1,50,000। उसके बाद क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालिए 6 मंथ का, फिर डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सेल पर है 1%, और बैलेंसिंग फिगर से जो प्रॉफिट आएगा उसे बांट दीजिए रेशो में, रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल बांट दीजिए। उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, डेबिट में पर्टिकुलर रहीम सुदेश, ऐसे ही क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकी कैपिटल ले लिए 1,50,000, 1,40,000 दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सिर्फ रहीम की है, कमीशन सिर्फ सुदेश का है, प्रॉफिट एंड लॉस आपने जो बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया उसे ले लो डेबिट में ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जिसका इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में लिखा है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट पर ट्रांसफर हो जाएगा। टोटल करेंगे बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस आ गया। एक इसमें रेंट पेबल अकाउंट भी पूछा है, तो पेबल किसी चीज़ के आगे लगा हुआ है इट मीन्स वो लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड से अकाउंट शुरू होगा लाइबिलिटी का, बाय रेंट के नाम से 25,000 लिख दो और टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, बस इतना ही होगा। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इस पर प्रैक्टिस करें।